वक्त बीती है। हो सकता है अगला घर मेरे हो सकता है अगला परिवार आपका हो। न्याय मांगा जाता है। हम शत्रुओं ने अखंड भारत को बनाने में अपनी रियासतें दान कर दी। इस 36 कौम के लिए हमने अपने सर्वोच्च बलिदान करके रखा है। एक कहावत है, गांव में ठाकर दो तरह के होते हैं, एक कृष्ण भगवान का मंदिर, दूसरे ठाकुर हम, जिन्होंने अपने सर्वोच्च देकर इस 36 कौम के लिए बलिदान किया है। आज हम उस न्याय के लिए मांगने में उतारू है। किसी ने कहा है, आप अपनी परवर्ती को छोड़ दोगे ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा। शेर अपनी परवर्ती को छोड़ के किसी चिड़ियाघर में होना है तो बच्चा भी उस पर लपथर मारने की कोशिश करता है। क्षत्रिय की आदत हो गई। क्षत्रिय आज जो न्याय देता था घर की चौखट पर, आज डेढ़ महीना हो गया एक क्षत्रिय न्याय मांगने के लिए रोड़ों पर खड़ा है। इससे बड़ी विडंबना की कल्पना आप नहीं कर सकते। रही बात न्याय की, हमने इस लोकतंत्र पर विश्वास किया, हमने जनता की भावनाओं की कदर की। उसका नतीजा यह है कि स्वर्ण समाज आज सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी में आता है। आज न्याय के लिए, आज से साल भर पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के साथ यही था, मटकी प्रकरण हुआ, आप सबको पता है। अगर उस ना इंसाफी के बावजूद उस व्यक्ति को एक साल अंदर रहना पड़ा, उसके बावजूद एक मीना जी का कांड हुआ था, उसमें भी आप लिखते। क्षत्रियो ने हमेशा भूलने की साबित की है, हमेशा माफी करने की आदत रही है, मगर इतना मत भूलो कि कोई आके अपनी माँ की आंचल में हाथ डालने की आदत कर ले और क्षत्रिय भूलता जाए। इतनी नाजुकी कौम भी हम नहीं है कम से कम। और रही बात सरकारें, सरकारें एक निश्चित टाइम तक सुने, निश्चित बिल्डिंग को बनाना आता है, उसको तोड़ना हमें उससे अच्छी तरह आता है। ये सरकारें पिछले 70 साल में बनी है और हमारे बुजुर्गों ने इस धरती को कम से कम 70,000 साल भोगा है, अपने सरों के बल भोगा है। यहाँ अलाउद्दीन खिजली अपनी मात खा के गए हैं, उस जगह पर हम व्यक्ति के लिए आज भी न्याय की उम्मीद करके बैठे हैं। हमारे रहे बीजेपी और कांग्रेस के नेता, हम किसी पार्टी के छोटी बढ़िया नहीं है। जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये समझ ले कि क्षत्रिय उसकी छोटी बढ़िया है। और रही बात जो ताकतवर कौम होती है ना, राजनीतिक दल उनकी चौखट में सलाम ठोकने आती है। राजपूत ने हमेशा बलिदान देके इस पद को खड़ा किया। और हम ये नहीं कहते, न्याय और अन्याय की दो परिभाषाएं होती है, मैं ये नहीं कहता अन्याय के साथ, हम ये कहते हैं कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस न्याय के लिए इस बच्चे को अगर इन रोड़ों पर आना पड़े तो इससे गंदा लोकतंत्र की कल्पना आप नहीं कर सकते जो हमारे साथ हुआ। रही बात क्षत्रिय की, आज मैं कहता हूं, आज जो सुखदेव सिंह की कमी चाहे एहसास हो ना हो, हर व्यक्ति को उस एहसास है, अगर सुखदेव सिंह ने आह्वान किया होता तो अभी तक ये सरकारें इस रोड पे आ रही होती। हमने न्याय के लिए कई जगह घुमा हूं, आपके आशीर्वाद से, 36 कौम के आशीर्वाद से। मंत्री कलेक्टर हमारे धरने पर ज्ञापन लेने आते थे और देखे जाते थे। मैं ये नहीं कहता कमजोर है, हमें स्वाभान को मानना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र व्यवस्था के लिए एक बाध्य था बंधन में बांधा कि हम इस लोकतंत्र को पालन करेंगे, उसका हमें आदर। हम इस बंधन में नहीं है कि इस लोकतंत्र को मानेंगे ही मानेंगे, हमारे परिवार पर आएगी तो हम इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की शर्म नहीं करेंगे। जय मां भवानी कमागणी।